आओ दलदानी माड़ा मेरा सिद्धू मूसे वाला। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह, मैं ऋषि की मम्मी अनीता विलास, हम आपको स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वन में। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत अच्छा लग रहा अपनी फैमिली का ख्याल। तो आज आ गया बादशाह का बहुत ही जबरदस्त गाना जिसका इंतजार कर रहे थे बहुत सारे लोग, और गाने का नाम है डाकू। गाने का नाम है डाकू और गाना आउट हो चुका, और गाने जिस एल्बम से आउट है मम्मी उस एल्बम का नाम है एक था राजा। बहुत जबरदस्त गाना होने वाला है, और शर्वी यादव के साथ ही है जो फीमेल वॉइस है, और बादशाह के मतलब यूट्यूब चैनल पे गाना आउट हुआ है। तो यार आई एम वेरी विद एक्साइटेड, क्योंकि बादशाह जब भी कुछ लाते हैं ना बहुत ही अलग, बहुत ही बेहतरीन, और कहते हैं ना स्टडी करके लाता है बंदा, और मेरे को बड़ा पसंद है बेसिकली बादशाह। तो यार मैं पहले गाना सुनना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहोगे बादशाह के बारे में? मैं तो यही बात कहूंगी कि बादशाह एकदम से भोला भाला बच्चा लगता है पर जब उसके गाने सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो भोले क्या बोलना चाहता है, भोले वाले ने कौन सा पंप फोड़ा है। सही बात है। तो यार पहले गाने पे चलते हैं, उससे पहले बताते हैं जो जो हमारे चैनल पे पहली बार आए, जिन्होंने नहीं करा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और जिन्होंने बता दे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ का नोटिफिकेशन बेल दबाना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहां से देख रहे हो, और ऐसे और भी गाने के ऊपर रिएक्शन चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, और आप जरूर बताना कि आप कौन से गाने के ऊपर रिएक्शन चाह रहे हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो डाकू। बहुत अलग सी थीम लग रही है। सिस्टम छोड़ के जो गए मुझे, आई डोंट रियली मिस देम, दो दो बार बनाए मैंने करियर लोगों के, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली दिस देम सोल काम गाड़ी तीनों काली काली रात। क्या बोला, दो दो बार बनाए करियर, करियर दोबारा सुनते हैं बादशाह। देखो इस लाइन में ना कुछ टोन मारी है भाई, दो दो बार बनाए करियर लोगों के, दैट्स व्हाई आई डोंट रियली दिस देम सोल काम गाड़ी तीनों काली काली रात में लाखों उड़ा दो लोगों पे जज्बात में, मेरे जैसे पागल घूमे मेरे साथ में, गहरे मतलब मेरे जैसे पागल घूमे मेरे साथ में। बहुत बढ़िया, दोबारा सुनते हैं भाई, अलग ही लिखता है बंदा। तो मैं मेरे जैसे पागल घूमे मेरे साथ में, कह रहे मतलब मेरी हर बात में, बॉम्बे में बैठे बॉलीवुड वाली चांदनी जोर लगा लिया ते हम हाथ नी रैपरों वाली, बॉम्बे में बैठे बॉलीवुड वाली चांदनी, ये इसको टारगेट कर दिया भाई। दोबारा सुनो ये लाइन, कह रहे मतलब मेरी हर बात में, बॉम्बे में बैठे बॉलीवुड वाली चांदनी जोर लगा लिया ते हम हाथ नी रैपरों वाली, हमें कोई बात नहीं घर खाली हाथ आए ऐसी कोई रात नहीं, हाथ घर खाली आए ऐसी कोई रात नहीं। क्या बात है, विस्की है काम की है जो सारे रिस्की है, सीन सड़क पे ही बनेगा आज, गाड़ी हटा लो ये किसकी है। ये दिल्ली वाले लौंडे जो होते हैं ना, ये उनकी बात है, गाड़ी हटा ले किसकी है, किसकी है भाई, गाड़ी चढ़ा देंगे ये कह रहे। बहुत बढ़िया, ऐसे भी शहर है जिनमें हम बैन है। बहुत सही, बहुत सही। हेटरों को ढूंढू जैसे मेरी टैन है, आई स्पाइस में बोलते ना मेरी टैन है ना, बिल्कुल। और कई कई देश है, मतलब कोई कोई कंट्री है जहाँ पे हम बैन है। भाई बादशाह के जो लिरिक्स है ना, बहुत जबरदस्त म्यूजिक लिखता है बंदा, मुझे नहीं लगता कोई इसके आर पार भी है जो म्यूजिक लिख सकता है। नहीं टॉप से ना ही कोई प्लान है, हेटरों को ढूंढू जैसे आई मेरी टैन है, ऐसे भी शहर है जिनमें हम बैन है, काली डबल आर इंटीरियर टैन है, ये जेंसी के चौदह लो फाइस नहीं भार आर गंदे इन लौंडो के गेम नहीं संभाल पा रहे, मरने को पड़ी बाजी फिर भी न मार पा रहे, कल ले नहीं आ रहे हम साथ में तूफान ला रहे, हाइप है कितनी ये शो मेरा गवाही भरे, कुछ भी ना करे बट करे तो तबाही करे, गाड़ी और काम में लगते ब्रेक नहीं, ज्यादा ना दिखे पर दिखे तो फिर देख नहीं, हाथों में विस्की है अपनी थोड़ी सी खिसकी है, हमको रोक ले जो गैंड में दम बैठे खिसकी है। क्या बात है,
निशा क्या बात है, नाइस यार। भाई क्या गाना लिखा है बंदे ने, क्या गाना लिखा है भाई, ये खतरनाक। वाक्य में मैंने कहा ना कि ये भोले भाले ने कौन सा बम फोड़ा, उसने इसमें बम फोड़ दिया भाई साहब। मतलब बादशाह ने बड़े ना फ्रस्ट्रेशन के आके लिखा ये गाना होगा भाई साहब, किसी को नहीं बख्शा। कहते ना एक अकड़ होती है गाने के अंदर, एक लय होती है गाने के अंदर। भाई गालियां भी दी है, एकदम अंडरग्राउंड रैपिंग की, कहते लात नहीं है, हम रैपर है पर हम ज्यादा लगते हैं डाकू है। और बहुत खतरनाक है, बहुत स्लैंग बड़े मिलते जुलते हैं। और अगर म्यूजिक आर्टिस्ट की अगर आप लिखाई देखोगे और आप बादशाह की लिखाई देखोगे ना, तो बादशाह ना बहुत स्टडी बेस्ड रैप लिखता है, बहुत स्टडी बेस्ड सॉन्ग लिखता है। और लड़की की आवाज़ भी बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। क्या क्या बातें लिखी है, आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यार मैं तो यही बात कहूंगी कि भी बिल्कुल भोला भाला सा बच्चा लगता है। उस बच्चे ने बम फोड़ दिया, वाकई में उसने हिला दिया एकदम से, कि उसने क्या क्या बोल दिया, कमाल होगी वाकई में। मैं तो इस भोले भाले बच्चे से ये उम्मीद नहीं करती थी। बादशाह तो मुझे उम्मीद थी, बट इतनी खतरनाक उम्मीद थी कि इतने चौड़े में गाली लिख के गाना, बहुत ज्यादा यार, मतलब गाली जस्ट लाइक अ फीलिंग। कोई बात नहीं, पर मजेदार, मजेदार, मजा आना चाहिए, बहुत मजा आया। देखो एंड क्या होता है, गाना कैसा भी हो, अच्छा हो, गुस्सा निकाला किसी तरह, फ्रस्ट्रेशन हो, गाली देने का भी एक तरीका होता है, मजा आना चाहिए। ओवरऑल गाने ने फाड़ दिया, मजा आ गया। और भाई ये जो एल्बम आने वाली है ना बादशाह की, और भी गाने आएंगे तो बहुत लाजवाब आएंगे, तो मेरी तरफ से 100 में से 100 भाई। और जितने भी बादशाह के चाहने वाले, नहीं चाहने वाले यार, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तो एक ही बात कहूंगी, अब ये भोला भाला बच्चा नहीं रहा। अब ये बारूद और भूगोले बारूद सब कुछ उड़ा देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और लाइक कर देना, साथ का नोटिफिकेशन बेल दबाकर सीखा होगा हमारी वीडियो सबसे पहले। आपके पास आएगी ऐसे और भी गाने के ऊपर रिएक्शन चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देखें हम आपके गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। और ये बताना मत भूलना वीडियो आप कहां से देख रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।